अगर वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उस पर जल्दी से क्लिक कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप भी परेशान हैं अपने गाड़ी के व्हील कप से तो हम आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। इनको ऑपरेट करना बिल्कुल आसान है, तो आज हम इन पर करने वाले हैं पेंट और इनको एक नया डिज़ाइन दे देंगे जिससे इनका लुक जो है बिल्कुल ओला रिम की तरह हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, इनको पहले साफ़ कर लेते हैं, इनके बाद में करते हैं पेंट और डिज़ाइन बनाना आपको सिखाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी गाड़ी के चारों अलार्म निकाल दें और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर दें। फिर हम इसको सुखा के फिर इनमें ना हम डिज़ाइन बनाएंगे टेप की मदद से। उसके लिए आपको चाहिए टेप, कलर, ब्रश या फिर आप स्प्रे पेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें वीडियो को। चलते हैं और करते हैं इसका प्रैक्टिकल वर्क। तो मैंने गाड़ी के चारे व्हील कप निकाल दिए हैं, देख सकते हैं आप, ये वाले भी निकाल दिए, चारों निकाल दिए हैं मैंने। तो चलते हैं इनको पहले साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह पानी के साथ धो के। ये मैंने इधर निकाल के रखी हुई हैं, तो पहले इनको थोड़ा धो लेते हैं फिर सुखा लेते हैं। बहुत मिट्टी चढ़ी हुई है अभी इनमें। पहले पानी लगा लेते हैं फिर ब्रश के साथ साफ कर लेते हैं इनको रगड़ रगड़ के, अच्छी तरह साफ कर लेंगे पहले इनको ताकि इनमें कोई मैल ना रह जाए। अगर कुछ मैल रह गया तो उसके ऊपर पेंट चिपकेगा नहीं, फिर वो पेंट उतर जाएगा, इसलिए इनको अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेते हैं। तो ये हो गया साफ़। अब कलर ले आए हम, ये है क्रोना का ब्लैक कलर ऑयल पेंट में और ये है क्रूम सिल्वर कलर। ये क्रूम मैं अपने लिए लेके आया हूँ, आप ना यूज़ करें तब भी सेट हो जाएगा, और ये क्रोना का ब्लैक। तो चलते हैं करते हैं पेंटिंग शुरू। तो पहले क्रोम कलर अप्लाई करते हैं। अगर आपको आपके पास क्रोम नहीं है तो उसके बगैर भी ये सही बन जाएंगे, लेकिन मैं क्रोम लेके आया था क्योंकि इससे थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी वाइट लाइंस में, ये शाइनिंग वाला क्रोम है। तो पहले मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्रोम के बाद जब क्रोम सूख गया तो हमने इसके ऊपर टेप से डिज़ाइन बना दिया है। अब हम करेंगे इसके ऊपर पेंट जिससे वो ख़ास डिज़ाइन बनेगा। तो आप इस तरह से या किसी भी डिज़ाइन में आप टैप कर सकते हैं इनको। तो ये हम लेके आ गए हैं, सबको टैप लगा दिया है। अब मैं करने वाला हूँ इसके ऊपर ब्लैक पेंट। ब्लैक पेंट पूरे व्हील कप के ऊपर हम अप्लाई करेंगे ताकि कोई जगह रह ना जाए। अच्छी तरह से इसको अप्लाई करें। मैं आपको यहाँ पर एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप ये ब्रश से पेंट हरगिज़ ना करें, क्योंकि मैंने जब से ब्रश से पेंट किया है तो बहुत मुश्किल के साथ पेंट हुए हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो जल्दी से कलर चिपक नहीं है इनके साथ। तो काइंडली आप स्प्रे वाला पेंट इस्तेमाल करें तो आपको परेशानी नहीं होगी। इससे पेंट करने में, ब्रश के साथ पेंट करने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, इसको दो बार तीन बार पेंट करना पड़ा तब जाके ये पूरा अच्छी तरह से पेंट हो पाया है। लेकिन आप ब्रश से और स्प्रे से करेंगे तो एक ही बार में अच्छी तरह से आपका पेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्रश के साथ बार बार लाइनें आ रही हैं क्योंकि ये प्लास्टिक है तो उसमें लाइनें आ जाती हैं, क्योंकि नीचे से ये बहुत सिल्की है इसलिए। तो आप काइंडली स्प्रे पेंट यूज़ करें तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये आपको मैं छोटा टिप देना चाहता था, क्योंकि मैं तो पहली बार मैंने किया था उसके लिए मुझे परेशानी उठानी पड़ी। तो अगर आप करना चाहते हैं इसी तरह अपने व्हील कप को अपग्रेड तो आप स्प्रे पेंट इस्तेमाल करें। तो ये पेंट सारे सूख गए हैं, देखें ये सूख के आ गए हैं। तो अब इनको करते हैं अनरैप,
जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको अनरैप कर रहा हूँ तो नीचे से कितना प्यारा लुक आ रहा है। जब ये पूरी तरह सूख जाए तो ही इसको अनरैप करें वरना पेंट आपके हाथों में लग जाएगा और पेंट फैल जाएगा। बड़े आराम आराम के साथ अच्छी तरह से अनरैप कर रहे हैं। अब आप देखें कैसा लुक आ रहा है इसका। पहले जो सिंपल वाले थे अब आप लुक देख सकते हैं इनकी बड़ी प्यारी लुक नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है उनको। आप चाहें तो इसके अलावा भी आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस तरह के आपके व्हील कप्स हैं उस हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन उनमें टेप की मदद से बना सकते हैं। टेप हमेशा अच्छे वाले इस्तेमाल करें क्योंकि कुछ ऐसे टेप हैं जो नीचे से उखड़ जाते हैं तो पेंट उनके नीचे चला जाता है तो फिर वो डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। उसके लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ती है जैसे कि मेरे साथ हुआ। ये मास्किंग टेप मैं लेके आया था लेकिन वो काम का नहीं था तो उसकी जगह मैंने वो अपना जो क्रिस्टल टेप होता है नोट चिपकाने वाला पर वो मैंने यूज़ किया तो उसके साथ सही बन गया। तो आप वही इस्तेमाल करें और बिजली वाली टेप तो हमेशा कभी भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो खींचने से पतली हो जाती है। तो आप क्रिस्टल टेप जो नोट को लगाते हैं ना नोटबुक्स वगैरह को कवर के लिए वो इस्तेमाल करें। इससे आपकी क्लियरेंस अच्छी आएगी क्योंकि वो अच्छी तरह से चिपक जाता है प्लास्टिक के साथ। अब आप देखें कैसा लग रहा है ना प्यारा सा। यहाँ पर ना हम इस सुजुकी के लोगों को भी पेंट करेंगे छोटे ब्रश के साथ। अगर आप पहले इसको काट देंगे टेप के बाद करने के बाद जगह छोड़ देंगे तो ये उसमें पेंट हो जाएगा लेकिन मैंने इसको बंद कर दिया था इसलिए मैं इसको दोबारा पेंट करूँगा हाथ के साथ। फिर वो मैं पेंट करके आपको दिखाता हूँ कैसी लगी। तो हम सबको अनरैप कर लेते हैं लेकिन यहीं वहाँ से मैं वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ। एक आपको दिखा रहा हूँ कि मास्किंग टेप की वजह से किसे डिज़ाइन ख़राब हो गया वो आपको दिखा रहा हूँ कि मास्किंग टेप के नीचे से पेंट जो था वो ब्रश का था तो वो बह के नीचे से अंदर चला गया क्योंकि मास्किंग टेप उखड़ गया था। इसके लिए फिर ये मुझे पता चला कि इससे ख़राब हो जाता है तो फिर मैंने दूसरों में वो क्रिस्टल टाइप का इस्तेमाल किया। तो आप पहले से इस्तेमाल करते हैं कि मेरे साथ तो हो गया लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें पैंट जो है नीचे से आपको दिख रहा है तो फिर मैंने बाद में इन सबको सेट कर दिया आपके साथ छोटे ब्रश से। फिर मुझे साथ दोबारा करने पड़े वो तो मैंने ऑफ कैमरा किए थे इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा लेकिन आप क्रिस्टल टाइप का इस्तेमाल करें इस बात का ध्यान रखें। और पेंट हमेशा स्प्रे वाला इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपकी बेहतरी आ जाएगी लेकिन उसमें आपको पेंट ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ब्रश वाले में आपको बार बार दो तीन मरतबा आपको पेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पेंट कैसे नीचे टेप के नीचे चला गया पेंट। तो अब फिर से इसको दोबारा सेट करना पड़ेगा मेरे को। मेरे पास तो छोटे ब्रश हैं क्योंकि मैं आर्ट का काम भी करता हूँ तो मेरे पास ब्रश हैं छोटे छोटे तो उससे आराम से हो जाएगा लेकिन आपको परेशानी हो जाएगी क्योंकि आपके पास छोटे ब्रश नहीं होंगे तो आपको किस चीज़ से आप करेंगे क्योंकि बड़े ब्रश से या ऐसी किसी फोम वगैरह से आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पतली लाइनें होती हैं। तो उसके लिए आप अच्छा सा टैप वो भी क्रिस्टल टैप का इस्तेमाल करें तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ट्रैप के नीचे पेंट था वो अभी भी गीला था इसलिए हाथों में लग गया। फिर से आज पेट्रोल के साथ
धोने पड़ेंगे, क्योंकि ऑयल पेंट है तो पेट्रोल का बगैर उतरता नहीं है। और कपड़ों का खास ख्याल रखें, ये देखें आप कैसे लग रहे हैं, आ गया ना पहला सलुक, अच्छी तरह से मैंने सेट कर ली। तो इस तरह से आप अपनी व्हील्स को किसी भी डिज़ाइन में अपग्रेड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और कोई भी कलर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो किसी लगी आपको याद की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन नीचे लाल कलर में है, इसको ज़रूर क्लिक कर लें, और बेल की आइकन को भी क्लिक कर लें। अस्सलाम वालेकुम।